हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2019 के लिए जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2018 क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन: किसी विद्युत परिपथ सर्किट में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है, इसे जूल में दर्शाएं। आंसर: 3.6 × 10⁶ जूल। क्वेश्चन: विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होंगी? आंसर: क्लोरीन। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को जल में मिश्रित करने पर क्लोरीन गैस निष्कासित होंगी। क्वेश्चन: ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? आंसर: कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कोशिका द्रव में होता है। क्वेश्चन: निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। कार्य: कार्य की एसआई यूनिट है जूल। बैटरी: बैटरी का कार्य है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। शक्ति: शक्ति पावर को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। माइक्रोफोन का कार्य है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। क्वेश्चन: फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? आंसर: ऑस्ट्रिया। फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। क्वेश्चन: सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्हें ऊर्जा एवं संसाधन संस्था द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट द्वारा सवनी विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आंसर: पवन चामलिंग को। क्वेश्चन: एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आंसर: 2 सेकेंड। क्वेश्चन: केंद्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री सुगम्य भारत अभियान के तहत नई दिल्ली में किसके लिए सरलता से प्रयोग योग्य ई पुस्तकालय सुगम्य पुस्तकालय की शुरुआत की है? आंसर: दिव्यांग विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। क्वेश्चन: किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? आंसर: महाराष्ट्र में। क्वेश्चन: एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य फार्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, निम्नलिखित में से गलत सूत्र चुनें। एल्केन CnH2n+2, एल्किन CnH2n+1, एल्काइन CnH2n-2। ऑप्शन 1 एल्केन CnH2n+2 और एल्काइन
सी एन एच टू एन माइनस टू सत्य हैं। एल्केन सी एन एच टू एन प्लस टू सत्य हैं। ऑप्शन फोर एल्काइन सी एन एच टू एन माइनस टू सत्य है। ऑप्शन थ्री एल्किन सी एन एच टू एन प्लस थ्री असत्य हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? आंसर जाइलम। जाइलम एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। क्वेश्चन, भारत के पूर्व बल्लेबाज और अब कमेंटेटर संजय मांजरेकर की आत्मकथा का किस नाम से 17 जनवरी 2018 को लोकार्पण किया गया था? आंसर इम्परफेक्ट। क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? आंसर ऑप्शन वन एल्यूमिनियम का सबसे बड़े आकार का परमाणु है निम्न में से। क्वेश्चन, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? आंसर युग्मनज जायगोट का। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज जायगोट का निर्माण होता है। क्वेश्चन, एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। आंसर 100 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन, पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? आंसर तांबा और जस्ता। पीतल ब्रास निम्न में से तांबा कॉपर और जस्ता जिंक से बनी एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? आंसर समरूप अंग। क्वेश्चन, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉनों की संख्या घटा देंगे तो परमाणु संख्या आ जाएंगी 102। क्वेश्चन, एस सोमनाथ एक भारतीय अंतरिक्ष इंजीनियर और रॉकेट प्रौद्योगिकीविद ने किसके नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? आंसर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के। क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर इनके भारतम कोषों में से दो अपूर्ण होते हैं। संक्रमण तत्वों के लिए इनके भारतम कोषों में से दो अपूर्ण होते हैं कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होंगी? आंसर 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड किस नाम की अपनी निजी क्रिप्टो करेंसी का आरंभ करने की योजना बना रही है? आंसर जियो कॉइन।
क्वेश्चन, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? आंसर Ca3(PO4)2। क्वेश्चन, एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया है, यह ऊर्जा जूल में कितनी है? आंसर 1152 × 10^6 जूल। क्वेश्चन, सिल्वर धन आयन और क्लोरीन ऋण आयन के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है? आंसर सिल्वर क्लोराइड। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गैर मेटालिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, या कथन सत्य है? फेनोल्फथेलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, या कथन सत्य है? नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, या कथन सत्य है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, या कथन असत्य है? फ्रेंड्स, यदि आपको यूट्यूब पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को और इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए।